अंबाला कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के पर्व पर एक मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कोरोना को ध्यान में रखते हुए 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों ने भाग लिया। प्रतियोगिता की शुरुआत जीओसी सब एरिया पंकज कौशिक अंबाला ने हरी झंडी दिखाकर की। कैंटोनमेंट बोर्ड के सदस्य अजय बवेजा ने बताया कि बोर्ड समय समय पर अपने क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पहले भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करवा चुका है। उन्होंने बताया कि ये मिनी मैराथन 5 किलोमीटर की हुई है, जो कि सैनिक विश्राम गृह माल रोड से शुरू हुई और माल रोड से होते हुए रैना ऑडिटोरियम के पास से नेपियर रोड होते हुए सैनिक विश्राम गृह के पास ही खत्म हुई। हम ना हर वर्ष इसी तरह से मैराथन और लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी चीजें हैं उनके लिए हम एक्टिविटीज करवाते रहते हैं। इस बार आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए सरकार की तरफ से दिशा निर्देश मिले हुए हैं, ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव सरकार के साथ हो, सरकार के कार्यक्रमों के साथ हो। उसी के तहत आज हमने कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से इस मिनी मैराथन का आयोजन किया है। 5 किलोमीटर की मिनी मैराथन है। इसमें लगभग 250 के करीब हमारे रजिस्ट्रेशन थे, क्योंकि त्यौहार के दिन है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है और लोग बिजी हैं, कुछ लोग कम आ पाए, लेकिन 250 लोगों के लिए हमारे पास रजिस्ट्रेशन था और लोग भाग ले रहे हैं, जिसमें 18 से 50 वर्ष के ऊपर के लोगों को हमने यहाँ पर जो है कहा है पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि 18 वर्ष से कम लोगों को भी किसी को भी कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है, और उनको भी जो 18 से 50 से ऊपर है, उनको भी जिनको डबल डोज लग चुकी है, उन्हीं को हमने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अथराइज किया है। वहीं कैंटोनमेंट बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी अनुज गोयल ने बताया कि प्रतिभागियों के लिए लगभग 250 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और आज प्रतियोगिता के मौके पर 125 लोग फिजिकली प्रेजेंट हुए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाए गए हैं और इस मिनी मैराथन में वही व्यक्ति भाग ले सकता है जिसने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी हों। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कैंटोनमेंट अंबाला का कि आज मिनी मैराथन ऑर्गेनाइज करी गई है कैंटोनमेंट अंबाला में। ये मैराथन 5 किलोमीटर लंबी मैराथन है और इसका शुरुआत अब कर दिया गया है माननीय जीओसी सर द्वारा, और इसी पॉइंट पे ही अब उनका जो मैराथन है वो ख़त्म भी होगी। उसके बाद प्राइजेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी ने काफ़ी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है, और क्योंकि पोस्ट कोविड मैराथन की जा रही है तो बहुत सारे प्रिकॉशंस और बहुत सारे कंडीशंस के साथ इस मैराथन को ऑर्गेनाइज़ करवाया गया है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं कंडीशन की गई थी कि सेकेंड डोज वैक्सीन की उन्हें लगी होनी चाहिए, उसके अलावा वो असिम्प्टोमेटिक होने चाहिए, उन्हें किसी भी प्रकार का सिम्टम नहीं होना चाहिए कोविड का, और जो भी कोविड प्रोटोकॉल था उसका पालन किया जाए। और आज फेस्टिवल भी है तो इसके बावजूद भी काफ़ी अच्छे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ऑनलाइन अराउंड 250 लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था और ऑन स्पॉट अराउंड 100-150 लोगों ने इस पर रजिस्ट्रेशन किया है। इसमें 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं, 18-50 मेल फीमेल और 50 एंड अबोव मेल फीमेल। बच्चों को इसलिए इस बार नहीं बुलाया गया है क्योंकि उनको वैक्सीन अभी शुरू नहीं हुई है। आपको बता दें, पहले भी ऐसी मैराथन का आयोजन किया जाता रहा है और इस प्रतियोगिता के चारों वर्ग के पहले विजेताओं को 8,000 रुपए, द्वितीय विजेता को 6,000 रुपए और तृतीय विजेता को 4,000 रुपए की इनाम राशि दी गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।